मैं इस घर से रुखसत होकर जाऊंगी। मम्मानी, अपरार से ना सही, आप मेरा निकाह अपने बड़े बेटे से करा दीजिए। क्या पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो ये आंटी? ये क्या बातें कर रही है? तुम नहीं, तुम वकार से शादी का कह रही हो? तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम मेरी सौतन बन क्या होगी? पागल तो नहीं हो गई है तुम्हारी बहन? मम्मानी, अब हमें 2 मिनट बात करनी है। आप लोग रूम से जा सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट। कोई बात नहीं करनी आंटी, कोई बात नहीं करनी हमने। क्या क्या बोल रही हो? क्या हो गया इसे? आंटी, आप कहाँ जा रही? आप बोले, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम नाराजगी कब खत्म करोगे? जब तुम मुझे बेतबार करना छोड़ दोगी, मैं तुमसे नाराज होना छोड़ दूंगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, आज से खत्म करते हैं अपनी अपनी जिद, और तुम अब अपने घर आ जाओ। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। रानिया का वहां इतने दिन रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैं ये भी जानती हूँ उसकी नजर अब्रार पर है। तुम नाम क्यों लेती हो उनका? भाई क्यों नहीं बोलती? क्योंकि भाई का रिश्ता नहीं बनाना उसे। अगर भाई का रिश्ता नहीं बनाना तो कौन सा रिश्ता बनाना चाहती है? वही रिश्ता जो उनका आपके साथ। शादी करना चाहती हूँ उसे। भाभी के साथ जो कुछ हुआ उसका अफसोस तो अलग है, लेकिन तुम्हारी शादी डिले हो गई उसकी खुशी मुझे जरूर है। वो कोई रोमांटिक बात कर रही। रानिया से रोमांटिक बातें करने को नहीं मिली तुम्हें? ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं क्या बात कर रही हूँ? तुम उसे मना क्यों नहीं करते हो? वो तुम्हारे साथ इतना फ्री क्यों होती है? क्योंकि वो मेरी कजन है। अब अगर वो मुझसे बात करेगी तो मैं उसे बात करने से मना तो नहीं कर सकता ना? रानिया जिस तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, और तुम भी तो उसके साथ। मैं किसी के साथ भी हूँ, लेकिन मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये क्यों नहीं समझती हो तुम? क्यों होती हो हर बार इतना इनसिक्योर?